सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे 15,000 वाले गेमिंग पीसी बिल्ड वाले वीडियो पे मैंने 100 लाइक्स का एम किया था, वहाँ पे आप लोगों ने 100 लाइक्स को पूरा कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो उसके लिए यार तहे दिल से शुक्रिया। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये भी आप लोगों ने ही उसी वीडियो के अंदर डिमांड किया था कमेंट्स में कि भाई 30,000 का एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड बनाओ जिसमें मॉनिटर, एक मैकेनिकल कीबोर्ड और एक गेमिंग माउस इंक्लूडेड हो। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और बने रहना इस वीडियो में, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से बेस्ट कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि आप 30,000 रुपये में खरीद सकते हो और अपना पीसी बिल्ड बना सकते हो, मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड होने वाला है ये। हाँ, और यार आज मेरा जो स्टूडियो है वहाँ पे थोड़ा लाइटनिंग का इश्यू है, इसके लिए मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्वालिटी ठीक ठाक सी लगे, तो बताना जरूर कि वीडियो की क्वालिटी कैसे लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, अब बात आती है 30,000 रुपये के एक फुल पीस बिल्ड की, तो यार वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि आपको एक मॉनिटर भी चाहिए, मैकेनिकल कीबोर्ड और एक माउस, अगर ये सब की अगर आप कोच देखो तो 10,000 से 12,000 तो यही हो जाता है, मतलब जो हमारा पीसी बिल्ड होगा वो 18,000 से 17,000 के अंदर ही हमको जो एक कैबिनेट, गेमिंग कैबिनेट बिल्ड करना होगा, तो वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, अब यार हमारे पास इसमें एक ही ऑप्शन आता है, वो है राइजन 320 200G। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई i3 9100F क्यों नहीं लिया, या फिर 1600 ले लिए होते Ryzen 5। तो भाई ले तो लिए होते, बट जो बजट है 17,000 से 18,000 में, तो उसके साथ हमको एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होगा। आई नो कि ये पीसी बिल्ड उतना कैपेबल नहीं है, बट अगर आपको एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड चाहिए तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। इसी में यहाँ पे आपको इनबिल्ट एपीयू मिलेगा सीपीयू के साथ ही, तो वो भी मतलब एक ठीक ठाक सा एपीयू है। आपको काफ़ी जो मॉडर्न AAA टाइटल्स है वहाँ पे आप लो सेटिंग्स पे, मीडियम सेटिंग्स पे उसको खेल पाओगे, बट हाई सेटिंग्स पे और जो अभी लेटेस्ट गेम्स लॉन्च हुए हैं उनमें आप ऐसे हाई सेटिंग्स पे डिमांड मत करना, क्योंकि जो ये पीसी बिल्ड है इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। बट ये फ्यूचर प्रूफ होगा, आपके पास अगर फ्यूचर में पैसे आते हैं तो आप इसमें खाली प्रोसेसर चेंज करके, एक नया प्रोसेसर डाल के और एक ग्राफिक कार्ड डाल के आप अपग्रेड कर सकते हो आपका पूरा सिस्टम, और आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी तब। तो इसके लिए मैंने ये बिल्ड बनाया, और Ryzen 3 2200G काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको 3.7 GHz की बूस्ट मिल जाती है और साथ में आपको 6 MB की कैच मेमोरी मिलती है, 4 Core 8 Threads वाला प्रोसेसर है और इनबिल्ट वेगा 8 का आपको यहाँ पे ग्राफिक मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक है, ठीक ठाक सा ग्राफिक है और आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करवाता है। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मली आप AAA टाइटल्स नहीं खेल पाओगे, इसमें AAA टाइटल्स भी आप खेल सकते हो, साथ में मीडियम टू लो सेटिंग्स पे GTA 5, PUBG, एमुलेटर जैसे गेम्स आप 50+ 60+ FPS पे खेल पाओगे। तो यार 7,000-6,000 रुपये में इतना कुछ ऑफर कर रहा है, तो इसके लिए हमने ये CPU चूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो आता है वो मदरबोर्ड, क्योंकि हमको इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट APU है, तो आपको आराम से ये प्रोसेसर से आपका जो ग्राफिक वाला काम है वो काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर B450 तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि 17,000 से 18,000 के बजट में B450 पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए MSI का A320 DH Pro मदरबोर्ड हमने चूज़ किया है। ये मदरबोर्ड एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड है, यहाँ पे आपको M.2 का स्लॉट मिल जाएगा, SSD आप आराम से लगा सकते हो, आपकी SSD चल जाएगी। अब अगर आप देखो तो हार्ड डिस्क और SSD में काफ़ी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसके लिए हमने SSD यहाँ पे लगाएंगे, बट SSD से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो एप्लीकेशन है वो क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और आपके गेम्स हैं वो थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, तो आपको चलाने में मज़ा आएगा। यहाँ तक कि आप जब अपने विंडोज़ को ऑन करोगे आपके सिस्टम को, तो कुछ सेकेंड में आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो ये भी एक फ़ायदा है SSD का। तो इसके लिए यहाँ पे जो मदरबोर्ड चूज़ किया इसमें आप SSD लगा सकते हो, M.2 लगा सकते हो, मतलब ठीक ठाक सा मदरबोर्ड है, बेसिक सा मदरबोर्ड है, आप इससे ज़्यादा VRM सेक्शन कुछ आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, और इस मदरबोर्ड में आप अपने प्रोसेसर को ज़्यादा नहीं ओवरक्लॉक अगर करना चाहते हो तो 100 MHz 200 MHz तक ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और लास्ट में मैं वीडियो में बने रहना, लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप इसी सिस्टम में और अच्छी परफॉर्मेंस आप कैसे पा सकते हो और अच्छे FPS कैसे निकाल सकते हो, तो वीडियो में बने रहना। तो नेक्स्ट चीज़ बारी आती है एक PSU की। अब यार PSU हम 2500-2400 वाला तो नहीं ले सकते थे, तो इसके लिए मैंने सर्कल का PSU चूज़ किया है। 800 रुपये में PSU आता है, 450 वोट का है, ओवरऑल ठीक है, यहाँ पे आपको 80+ ब्रॉन्ज ये सब रेटिंग्स तो नहीं मिलती है, बट आपका काम चला जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है यार 65 वोट की, यहाँ पे खाली आपको TDP चाहिए आपके प्रोसेसर को, तो उतना तो आराम से प्रोवाइड करा देगा। बल्कि ये जो PSU है यानी SMPS है, तो ये आपको फ्यूचर प्रूफ भी है, इस तरह से अगर आप फ्यूचर में एक प्रोसेसर अपग्रेड करते हो और एक ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हो, तो आपको आपका जो SMPS है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो प्राइस पे आता है ना भाई वो एकदम काबिले तारीफ़ है, तो आप ये SMPS आँख बंद करके ले सकते हो इस सिस्टम के साथ।
अब जो नेक्स्ट आती है SSD, तो 120 GB की SSD लगा देंगे। 240 GB थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है 500-600, तो यार 1600 में आपको 120 GB मिलता है, और 500-600 और लगाओगे तो 2200-2300 रुपये में आपको 240 GB मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा 240 GB का ले लो, WD का 240 GB का SSD, आपके एप्लीकेशन क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और ओपनिंग ऐप ओपनिंग टाइम भी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा SSD लगाने के बाद। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमको एक चाहिए था कैबिनेट। अब कैबिनेट के लिए यार मैंने चूज़ किया है 2200 रुपये में आने वाला चिपट्रॉनिक्स का MX1 कैबिनेट। एक साइड में टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, एक ARGB आपको पीछे फैन मिल जाता है, और सामने की तरफ आपको एक सिंगल RGB स्ट्रिप मिल जाती है। 2200 रुपये में इससे बेटर वैल्यू और कोई ऑफर नहीं कराएगा। आराम से अपने सिस्टम को इसमें बिल्ड कर सकते हो आप, उसके बाद आपको एस्थेटिक लुक भी मिलेगा, और बजट में रहने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करवाता है। और आई थिंक इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। 2200 रुपये में एक सिंगल ARGB फैन, सिंगल ARGB ट्रिप आपको मिल जाती है, मतलब इससे बेस्ट वैल्यू और कुछ ऑफर नहीं हो सकता आपको। 2200 रुपये में बेस्ट कैबिनेट है, आँख बंद करके आप इसको खरीद सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, जो मॉनिटर हमने चूज़ किया है वो LG 22 इंच फुल HD IPS पैनल वाला मॉनिटर है। अब ये 65Hz पे आता है, कंपनी ऑफर करती है आपको 65Hz, बट यही मॉनिटर हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका एक रीज़न है। आप इसको फर्दर थोड़ा सा ओवरक्लॉक करके पुश कर सकते हो। इस मॉनिटर को आप 10 GHz तक और ओवरक्लॉक कर सकते हो, यानी 75Hz पे आप इसको चला सकते हो। 65Hz के मॉनिटर पे 75Hz आप आराम से इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर कराता है। फुल HD IPS पैनल है, इस प्राइस रेंज में इससे बेटर आपके पास कुछ नहीं है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसका मतलब यहाँ तक है, एकदम बढ़िया प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है, तो आप इसको आराम से खरीद सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक गेमिंग मॉनिटर आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट जो था हमारे पास वो एक हमको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए था, तो मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए हमने कॉस्मिक बाइक का कीबोर्ड चूज़ किया है। कॉस्मिक बाइक का 12 नियॉन रेनबो बैकलिट कीबोर्ड है। अब यहाँ पे आप इसके जो साथ इसमें आपको RGB कलर्स मिल जाते हैं वो आप बटन के थ्रू चेंज कर सकते हो, और साथ में आपको यहाँ पे ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं। मतलब यार काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है, और काफ़ी पहले से ये कीबोर्ड बिक रहा है अमेजोन पे, और अभी भी मतलब बिक ही रहा है, कंटिन्यू सेल हो रहा है। अब लोग इसको कंटिन्यू पसंद कर रहे हैं, तो कुछ तो इसमें होगी, कुछ तो बात होगी अच्छी, और काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड है। आप आराम से इसका रिव्यू भी देख सकते हो अमेजोन पे, वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है। 1700 रुपये में आपको मिल जाता है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आप आराम से इस कीबोर्ड को परचेस कर सकते हो। अब लास्टली हमको एक चाहिए था गेमिंग ग्रेड वाला माउस, तो माउस हमने लिया है रेड गियर का X12 प्रो। अब यार ये माउस स्पेसिफिक मतलब एक गेमिंग ग्रेड का माउस है, भले 800 रुपये में आता है। इसमें आपको एवेगो 3050 का सेंसर मिल जाता है, जो कि एक गेमिंग ग्रेड सेंसर है। ऐसा नहीं का बेसिक सा ऑप्टिकल सेंसर आपको लगा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। और साथ में आपको यहाँ पे RGB चेंजेबल, यानी RGB आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो इस माउस के अंदर भी। तो यार 700-800 रुपये में आने वाला माउस, एवेगो 3050 का गेमिंग ग्रेड का सेंसर, और वन ऑफ द बेस्ट मतलब बढ़िया क्वालिटी आपको देता है, प्लास्टिक से अफील नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। पबजी में जब आपको पट सा हेडशॉट मारना है ना, तो ऐसा ही माउस लो जिसमें एक थोड़ा बढ़िया गेमिंग ग्रेड सेंसर हो। ऐसे ही ऑप्टिकल सेंसर वाला माउस मत लेके जाओ, आपको मार्केट में 1000 रुपये तक ऐसे माउस मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्टिकल सेंसर वो लोग ऑफर करते हैं। बट ये माउस रेड गियर का X12 प्रो 800 रुपये में आता है, बट काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। तो आई थिंक हमारा पूरा जो बिल्ड है फुल सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और आप बताना बेस्ट कंपोनेंट पार्ट आपको कौन सा लगा इस पूरे सेटअप में। और अगर आपको कुछ भी परचेस करना हो, ये सेटअप PC बिल्ड करना हो, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बिल्ड करो, वहाँ से कुछ भी कच्चे चड्डी बनियान खरीदो, थोड़ा चैनल का सपोर्ट मिल जाएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं भी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पीस।